गाइस, माय नेम इज जैद एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में जिस फोन की हम अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू करने जा रहे हैं वो है रेडमी 14C। ये रेडमी 13C का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें इस फोन के मार्केट में दो वेरिएंट्स आए हैं, एक 4128 और 6128। 6128 की प्राइस है 33,000 जबकि 4128 की प्राइस जो है वो 30,000 है। मार्केट में कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल जाए, बाकी फाइनल प्राइस की बात इसकी वीडियो के एंड में देखेंगे और देखें क्या ये फोन बाकी वर्थ इट है और इस प्राइस की जस्टिफाई करता है या नहीं करता। सो बाकी इधर कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो उसमें सबसे ऊपर मेंशन है 6.8 इंचेस का लार्ज डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा। तो बगैर टाइम वेस्ट के जल्दी से इसका बॉक्स जो है वो ओपन कर लेते हैं। सो बॉक्स ओपन करते साथ ही सबसे ऊपर हमें हमारा फोन देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जिसमें सबसे ऊपर वही 6.8 इंच का डिस्प्ले, रिफाइनमेंट स्टाइलिश डिजाइन, 50 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा, 5160 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग और पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर हमें इसमें देखने को मिल जाता है। हमें जो फोन मिलता है इसको जल्दी से हम टर्न ऑन कर लेते हैं एंड इसका जो कलर है मेरे पास वो है ब्लू कलर में है। इसके लुक के बारे में बात आगे हम वीडियो में जाकर कर लेंगे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड पर कर देता हूँ। उसके बाद बॉक्स के अंदर आ जाए तो बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पर रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है एंड बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे एक मिल जाता है सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है सबसे पहले। उसके बाद हमें मिल जाता है कुछ क्विक स्टार्ट गाइड्स, PTA के स्टिकर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं एंड उसके अलावा हमें एक अदर जो है सिलिकॉन का केस भी देखने को मिल जाता है। इससे पहले जो रेडमी 13C आया था उसके अंदर हमें सिलिकॉन का केस देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर ही सिलिकॉन का केस है वो इंक्लूड कर दिया गया, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इन बाकी चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए कर देते हैं साइड पे एंड आ जाते हैं अपने बाकी बॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो बॉक्स के अंदर हमें और मिल जाता है एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन जो फ़ोन है वो हमारा 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर 33 वॉट का चार्जर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हमें एक जो है टाइप ए टू टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है, बॉक्स खाली हमें देखने को मिलता है। तो इनको भी हम कर देते हैं जल्दी से साइड पे एंड आ जाते हैं अपने मेन फ़ोन की तरफ। सो फोन जो हमारा है वो फाइनली टर्न ऑन हो गया और मैंने सेटअप कर। सो यहाँ पे आप इसके फर्स्ट लुक की बात करें तो ये ब्लू और वाइट जरा स्काई टाइप का कलर है, मतलब जैसे हमें गैलेक्सी में स्टार्स वगैरह नहीं देखने को मिलते उसी का पैटर्न जो है उसी तरह का कुछ यूज़ किया गया है। एंड उसके बाद ऊपर वाली साइड की बात करें तो हमें हमारा 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। अगर हम इस साइड की बात करें हमें सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, जो सिम ट्रे है वो दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को भी इकट्ठे सपोर्ट करती है। नीचे वाली साइड पर हमें स्पीकर देखने को मिल जाता है, टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है एंड एक अदर माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हमारा जो है पावर बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्ट इसमें देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन हमें इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम आए थे अपने मेन फोन की तरह। फोन का जो डिस्प्ले है वो 6.88 इंचेस का तो डिस्प्ले है, लेकिन ये जो डिस्प्ले है वो 720p का डिस्प्ले है और साथ ही साथ ये 120 हर्ट्ज की रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट करता है, जो कि रेडमी 13C से थोड़ा सा अपग्रेड हमें इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो ये फोन जो है वो सपोर्ट करता है। एंड उसके बाद बाकी अगर हम इसके फीचर्स की बात कर लें, इसके अंदर हमें G81 अल्ट्रा का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक लेटेस्ट चिपसेट है। अगर परफॉर्मेंस की इसकी बात करें, अगर आप डे टू डे यूजर में जाएं तो मतलब व्हाट्सएप फेसबुक इस तरह के आपने नॉर्मल यूज करना है तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट फोन चलेगा, किसी तरह का भी जो लैग वगैरह वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप गेमिंग की तरफ जाएंगे तो आपको ये फोन जो है थोड़ा सा लैग फील करता हुआ आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम इस फोन के कैमराज की बात कर लें, बैक साइड पर हमें एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा तो देखने को मिलता है, उसके साथ हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है। ऊपर वाली साइड पे एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है, नीचे 50 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग है। तो ऐसी लुक बनाई गई है कि जैसे चार कैमरे हो, लेकिन ओवरऑल इसमें जो मेन जो है वो दो ही कैमरे, एक मेन कैमरा है और दूसरा डेप्थ सेंसर है। उसके अलावा नीचे वाली साइड पे हमें रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। कलर जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन ये कलर है शाइनी है और इसमें जो फिंगरप्रिंट्स बजीज हैं वो भी काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो ठीक है। अगर इसमें प्राइस में हमें फुल HD का डिस्प्ले देखने को मिलता तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती, लेकिन ये भी प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो ठीक है, लेकिन ये प्राइस थोड़ा सा डिस्प्ले जो है वो बेटर हो सकता था। बाकी इसमें OS की बात करें, इसमें Xiaomi का जो अपना हाइपर OS है वो देखने को मिल जाता है और अपडेट्स भी जो Xiaomi में है वो हमें रेगुलर देखने को मिल जाती है। तकरीबन इसमें भी 2 साल की हमें जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर हम फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है, काफ़ी क्विक हमें जैसे ही फिंगर रखते हैं तो ये अनलॉक हो जाता है। उसके अलावा इस फोन के अंदर हमें फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो इसका डिस्प्ले के बेजल्स की बात करें, जो बेजल्स हैं वो हमें काफ़ी बड़े देखने को मिल जाते हैं और एक और चीज़ जो है ऊपर वाली साइड पर हमें ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। बेजल्स ऊपर वाले तो फिर भी थोड़ा सा गुजारा है, नीचे वाली साइड पे बेजल्स काफ़ी बड़े हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके अलावा इसमें कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें हमें जो कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन है वो देखने को नहीं मिलता बाय डिफॉल्ट।
बाकी मैंने इस नेट पर रिसर्च किया, गोरिल्ला ग्लास की जो प्रोटेक्शन है वो कहीं पे मेंशन नहीं है कि इसके अंदर कौन से गोरिल्ला ग्लास की जो है वो प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, तो आई गेस इसमें जो गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलती है। बाकी अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये जो 6128 GB वाला वेरियंट है वो आपको मार्केट में डिस्काउंट के बाद 31,000 का इजिली मिल जाएगा, और जबकि इसके इनवाइस है 33,000, जबकि जो 4128 GB वाला वेरियंट है वो आपको 28,000 से 28,500 का देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर इस फोन के हम कैमरा फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम वीडियो की बात कर लेते हैं। जो इसका वीडियो है बैक कैमरा वो 1080p 30fps की वीडियो जो है मैक्सिमम प्रोवाइड कर देता है, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम लैप्स, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट मोड और 50 MP का मोड भी देखने को मिल जाता है। जबकि अगर हम इसके फ्रंट कैमरा की वीडियो की बात करें वो भी मैक्सिमम 1080p 30fps की वीडियो है जो प्रोवाइड कर देता है। इसके जो कैमरा सैंपल्स हैं वो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप उधर से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो इस फोन का फ्रंट कैमरा हमें देखने को मिलता है वो है 13 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। इसकी भी क्वालिटी बेटर है लेकिन परफॉर्मेंस इसकी हमें देखने को नहीं मिलती। बाकी ब्लॉटवेयर की बात करें, इस फोन में हमें पहले से कुछ ब्लॉटवेयर वगैरह इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं जिसको हम डिलीट कर सकते हैं। बाकी इस फोन के फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो अगर आपको डे टू डे नॉर्मल यूजेज के लिए फोन चाहिए और काफी खूबसूरत दिखने वाला फोन चाहिए, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें 4 colors देखने को मिल जाते हैं, एक ब्लैक भी है और एक सेज ग्रीन कलर भी आता है जो कि लेदर बैग में देखने को मिलता है, लेकिन ये ब्लू वाला जो कलर है मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आया है। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।